नारायण 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 परमात्मा तत्व परिपूर्ण व्यापक है तो किस देश में नहीं है, किस वस्तु में नहीं है, किस व्यक्ति में नहीं है, किस परिस्थिति में नहीं है, किस घटना में नहीं है, किस क्रिया में नहीं है, कहीं नहीं सोचते। सब देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना क्रिया सब में है, उत्पन्न है स्वतः सिद्ध। उससे विमुख होकर हम नाशवान मानते हैं, जानते हैं, सामने देखते देखे मनुष्य मर जाता है, सामने देखते वस्तु नष्ट हो जाती है, सामने देखते परिस्थिति बदल जाती है। सब नष्ट होने वालों में हम महत्व बुद्धि कर देते हैं और सत जो परमात्मा है उनसे विमुख हो जाते हैं। इससे ही दुख पा रहे हैं। सीधी सरल बात है, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही। असत से विमुख हुए बिना सत के सन्मुख हो नहीं सकता। असत्व को जो महत्व देना है, नाशवान को श्रेष्ठ समझना है, अपने लिए उपयोगी समझना है, यही गलती है। अपने लिए उपयोगी शरीर के निर्वाह के लिए हो सकता है, अपने लिए तो बिल्कुल ही अविनाशी आपका स्वरूप है, ईश्वर जीव अविनाशी, तो अविनाशी के लिए विनाशी की क्या जरूरत है, विनाशी क्या सहारा पहुंचाएगा। तो उस विनाशी को महत्व देना है, यही बड़ी गलती है। इसी से दुख पा रहे हैं। अगर ये बात हम समझ रहे हैं कि विनाशी को क्या महत्व देना, वह तो नष्ट हो जाएगा। हो रहा है ना तो वो नहीं जाता, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं में ही जा रहा है, उसका क्या सहारा है। इतनी बात सीधी सरल। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बड़ी सुगमता से उस तत्व की प्राप्ति हो जाए। बहुत वर्ष हो गए मेरे को कहते हुए विचार करते हुए कि भाई ये संसार का काम होता है क्रिया जन्य, ऐसे परमात्मा क्रिया जन्य नहीं है, वो जन्य है ही नहीं, वो तो है नित्य है। तो ये जन्य का आश्रय छोड़ने पर उसकी प्राप्ति स्वतः होगी, उसकी क्रिया से नहीं होगी। क्रिया से होने वाली नित्य वस्तु नहीं होती, क्यों पहले नहीं होती है उसी क्रिया से उत्पत्ति होती है। सदैव है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, तो क्रिया से उसकी प्राप्ति नहीं होती। क्रिया से जो असतमय सद्बुद्धि हो गई है इससे ऊंचे उठ सकते हैं, उपकार करके, भगवान नाम लेकर, भगवत प्रार्थना करके हम असत में जो सद्बुद्धि हुई है इससे ऊंचे उठ सकते हैं। और ऊंचे से होता है ऊंचे प्राप्ति हुई, उसके लिए कुछ नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए उद्योग काम नहीं करता, वो तो स्वतः है। अगर वो क्रिया से उत्पन्न होंगे तो फिर उसका नाश हो जाएगा, क्यों पहले नहीं था वो उत्पन्न किया जाता है क्रिया से, तो उसका तो नाश होगा ही, नाश हुआ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो तो नित्य है जो कहते हैं, अविनाशी से हटे अविनाशी की अविनाशी की प्राप्ति हुई, विनाशी से हटे अविनाशी की प्राप्ति। इस वास्ते अपना काम एक है कि विनाशी को महत्व ना दे, बस जिसका महत्व है नहीं, क्षण भंगुर एक क्षण भी स्थिर रही,
इसको महत्व देते हैं, यही गलती करते हैं। वेदांत सुत है स्वभाव सुधा सिद्ध है, ये बात है। अब कोई शंका हो तो बोलो। संत धनाराम जी महाराज, आपने राम राम दिया। अच्छा, राम राम जी महाराज, गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 जुलाई 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।